आज लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम प्रार्थना कैसे करें और हमें प्रार्थना कब कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और किससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। पहले हमें जानना होगा कि हमारी प्रार्थना सुनता कौन है। यदि हमें कोई चिट्ठी किसी को पहुंचानी है तो हमें सबसे पहले उसके भेजने वाले को जानकर फिर जहां हमें अपना संदेश भेजना है वहां का पता और उसके पढ़ने वाले का नाम और एक सही उत्तर मिलने की आशा उस खत में जो हमने कुछ ही शब्दों में अपनी पूरी बातें लिख डाली हैं ये जानना ज़रूरी है। पहला, वो लिखने वाले हम हैं। दूसरा, और वो भेजने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। तीसरा, और जहां वो खत जाएगा वो सिर्फ स्वर्ग है। चौथा, और जिसके द्वारा वो खत पढ़ा जाएगा वो परमेश्वर यहोवा पिता है। प्रार्थना के उत्तर दो जगह से आते हैं, वो हमारे मांगने पर निर्भर करता है। पहला, परमेश्वर का आत्मा यदि हम यीशु के नाम से मांगेंगे तो, और दूसरा, दुष्ट आत्मा जो बिना प्रार्थना करे भी उत्तर देती है और जो भी हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मांगते हैं। क्योंकि धन तो शैतान भी देता है लेकिन उसमें दुख मिला हुआ होता है। जो कमी घटी बीमारी परेशानी लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट्स और अन्य चीजों और छेद वाली थैली में होकर निकल जाता है, लेकिन जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता यदि हम अपनी इच्छा को छोड़ उसकी इच्छा को पूरी करें तो। क्योंकि परमेश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे और सभी के लिए अच्छा होता है, ऐसा वचन कहता है। कुछ लोगों को प्रार्थना की शुरुआत और अंत नहीं पता रहते। यदि किसी के द्वारा सिर्फ भोजन के लिए प्रार्थना करवाई जाए तो वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंच जाते हैं, और लेकिन जिस समस्या और जिस विषय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए वह नहीं कर पाते। आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, सीखना बंद तो जीतना बंद। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, पूरी दुनिया कोशिश और आशा पर कायम है। प्रार्थना से पहले हमें इसके बारे में जानना होगा। इसके दो तरीके हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और शिकायत और समस्याओं को भूल जाओ। इसके बिना हमारी प्रार्थना खोखली है। शुरुआत यही से होती है, क्योंकि वचन कहता है जिस प्रकार तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम किसी के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। और पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती और पाप का फल मौत है। इसकी क्षमा सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकते हैं। मतलब हमें उन सभी लोगों को माफ करना है जिसने हमारा दिल दुखाया है या किसी परेशानी में डाला है या बार बार दिल दुखाते भी हैं तो भी हमें माफ करना है। यदि हम दूसरों को माफ करने की हिम्मत नहीं रखते तो हमें अपनी रहमत और दया की उम्मीद परमेश्वर पिता के आगे रखने से कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि वचन कहता है यदि मैं सारे संसार की शक्ति और वैभव और ताकत प्राप्त कर लूं और मेरे बोलने से ही बड़े बड़े काम हो और पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कैद भी कर लूं और यदि मैं स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और पहाड़ों को भी हटा दूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले तो अपने भाई से मेल मिलाप करके आ, और अगर तेरे मन में किसी के लिए विरोध है तो पहले उससे मेल मिलाप कर, तब मैं तेरी भेंट और प्रार्थना को स्वीकार करूँगा। इन सभी बातों के बाद आप कभी भी प्रार्थना करें तो सबसे पहले परमेश्वर की बड़ाई करें, जैसा कि वचन कहता है कि ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। और आप किसी भी तरह से परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं उसके किए गए महान कामों के द्वारा जिसके कारण आज हम जीवित हैं, और अपने जीवन की हर बात की सलामती के लिए और हर एक काम और आशीषों के लिए और हर एक सांस के लिए धन्यवाद करें। लाखों विषय हैं धन्यवाद के, जैसे कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं अंधा नहीं हूँ,
जो नहीं देख पाता उसकी आंखें खोल दे। और भूखा नहीं हूँ, बीमार नहीं हूँ, लाचार भी नहीं हूँ, किसी मुसीबत में नहीं हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आज आपने मुझे जीवित उठाया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग थे जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु उनकी भी न्याय के समय तू शुद्धि लेना, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और फिर अपने सभी विरोधियों को माफ़ करने के बाद आप भी अपने सभी गुनाहों की माफ़ी मांगे जो जाने अनजाने में हमसे हो गए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हमने अपने भाई को अरे मूर्ख भी बोल दिया तो पाप कर दिया, और किसी स्त्री की तरफ गलत नज़र से देख भी लिया तो पाप कर दिया। क्योंकि संसार और हमारी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमसे अनजाने में भी पाप हुए हैं। तो अपने सभी गुनाहों के लिए प्रभु यीशु के नाम से माफ़ी मांगे और उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करें। और उन सभी लोगों की उन समस्याओं के लिए प्रार्थना करें जो भी आपकी समस्याएं हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरों की खेती सींचते हैं उनकी भी खेती सींची जाएगी, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि बिना वचन से प्रार्थना एक खाली बंदूक को दर्शाती है, जिसमें वचन की तलवार और आत्मा की गोली नहीं है। प्रार्थना करते समय आपको विषय के अनुसार वचन भी याद होना चाहिए और मन में नहीं वचनों को हमें बोल बोल कर प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे तेरा वचन कहता है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा हो जाएगा, और प्रभु तेरा वचन कहता है और कि लिखा है, धरती और आकाश टल जाएंगे परंतु तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और परमेश्वर को उसी का वायदा याद दिलाओ, जैसे कि प्रभु तू कोई मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले। तू इस समस्या को अपने वचन के अनुसार और वचन के द्वारा खत्म कर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करे। और हमें सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से मांगना है, क्योंकि लिखा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, जो भी तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और हमें अपने इच्छा को बताकर परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ देना है कि प्रभु सिर्फ आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो। और हमें प्रभु का धन्यवाद करना है और ये विश्वास भी करना है कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है, प्रभु का काम शुरू हो गया है। जैसे प्रभु आपने प्रार्थना सुनी और उत्तर भी दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, पिता सुने और ग्रहण करे, आमीन आमीन आमीन। ये हमारी प्रार्थना का तरीका है जिससे हमारे जीवन में बहुत जल्द बदलाव होता है और हम उन्नति करते हैं। और वचन कहता है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती, जैसे दुष्ट आत्मा और बीमारियां। तो वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अन्य जातियों की तरह बकबक मत कर, उन्हें लगता है ऐसा करने से उनकी बहुत सुनी जाएगी। लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो अपने सर पर तेल मल और अपना मुंह धो, जिससे लोग तुझे उपवासी ना जाने, और एक कोठरी में जा अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तो वो तुझे प्रतिफल देगा, तेरे पुकारते ही वो सुन लेगा। ये सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना आप कभी किसी भी समय कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं राजा। आप हम में बढ़ते जाए और हम घटते जाए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मिलकर आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ उपस्थित रहते हैं। लिखा है प्रभु आपकी व्यवस्था में कि जो भी तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। मैं मांगता हूँ पिता, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इन सबको अपनी बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण करे पिता परमेश्वर। जब भी पिता परमेश्वर, जिस भी समय पिता इनको वचन की जरूरत है पिता परमेश्वर, सही समय पर सही तरीके से सही लोगों के बीच में और सही वचन इनको मिलने पाए पिता, ताकि शत्रु पर जय पाके पिता के दाहिने ओर बैठे पिता। क्योंकि आपने हमें सारा अधिकार दिया, आपका वायदा पिता कि जो हम पृथ्वी पर बांध देंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो हम पृथ्वी पर खोल देंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा।
तमाम दुष्ट की सारी गंदी आत्मा को जो किसी भी रूप में हमें आपसे आपके वचन से दूर करने की कोशिश करती थी, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से उस गंदी आत्माओं को बांध कर नरक कुंड में नष्ट करते पिता, और हम सबके पूरे छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु जी। आपने कहा है मैं तेरे मुँह के फल का सर्जन और प्रभु लिखा है आपकी व्यवस्था में, आप कोई मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले, आप मेरे मुँह के फल का सर्जन आ रहे हैं। हम सबके पूरे छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु। हमें अपनी बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमें आपके आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा जी सत्य का आत्मा देकर हमें संभाले, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, और आपके अग्निमय रथों का बाड़ा, आग की तलवार, आग के स्वर्गदूतों का पैरा हमारे चारों तरफ लगाते हैं। कोई दुष्ट की गंदी योजना किसी भी रूप में किसी के भी जीवन में सफल ना होने पाए पिता, आपकी सिद्ध इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो पिता। जैसा आप चाहें वैसा हमारे जीवन में कार्य करें पिता। हम जानते हैं आप हमारे लिए हमेशा भला ही करते हैं। हमें आपको समझने की और आपकी योजना को समझने की बुद्धि और बुद्धि पर चलने की सामर्थ्य दे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके ग्रहण योग्य जीवन जीने पाए, और धन्यवाद करते आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। अब तक आपने हमें संभाल के रखा, आगे भी आप ही संभालेंगे पिता। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। दया से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन आमीन आमीन।